हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फास्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आपका गढ़वाल राइफल्स है उसमें कुछ वैकेंसी आउट की गई हैं, जो कि दोस्तों इस प्रकार हैं। आप देख सकते हो कि मैं ऑफिशियल साइट पर हूँ इस समय। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है, जो आपका गढ़वाल है उसमें राइफल्स की कुछ वैकेंसी आउट की गई हैं। तो दोस्तों, चले जानते हैं क्या वैकेंसी क्या आउट की गई है। तो दोस्तों, ये मेरा पेड मेरे ये जो दोस्तों इस प्रकार आप ऑफिशियल साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अगर डाउनलोड करना नहीं चाहते तो मैं डायरेक्ट इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने कुछ वैकेंसी है जो आउट की गई हैं। कमांडेंट द गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन उत्तराखंड। तो दोस्तों, जो कि आपका गढ़वाल है उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, जो कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज पर प्रमोट गिवन। तो दोस्तों, ये आपकी जो कुछ वैकेंसी हैं तो जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट, जो कि दोस्तों आपकी स्टेनोग्राफर की है। पोस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है। कैटेगरी बात करें तो दोस्तों, ये ए सर्विसमैन यानी कि जनरल में भी है। दोस्तों, यदि इसकी पे स्केल की बात करते हैं तो दोस्तों 25,900 आपको से लेकर और 81,100 आपकी इसमें सैलरी होने वाली है। बहुत अच्छी सैलरी है, जो कि आपकी लेवल 4 की सैलरी होने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, बात करें इसमें जो आपकी स्किल टेस्ट मांगा जाएगा, जो कि 10 मिनट में 80 पर मिनट, शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश की, और यदि कंप्यूटर पे बात करें तो 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में इन हिंदी आपकी होने वाली है। तो दोस्तों, ये अगर 12th पास कर रखा तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्लर्क की। तो दोस्तों, क्लर्क की अगर बात करें पोस्ट नंबर, तो इसमें दोस्तों दो दो वैकेंसी हैं, जो कि UR की एक है और EWS की एक है। तो दोस्तों, इसमें भी सैलरी बहुत अच्छी खासी है कि जो 19,900 से लेकर 63,200 तक लेवल 2 की सैलरी होने वाली है। यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आप किसी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि 10th के साथ आपका जो स्किल टेस्ट है वो मांगा जाएगा 35 मिनट में जो हिंदी है और 35 में इंग्लिश है और 30 में हिंदी, आपका इसके टेस्ट मांगा जाएगा। यदि बात करते हैं ब्लैक मैथ की, तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी नंबर एक है, जो कि SC की है, कैटेगरी की है, और बात करते हैं दोस्तों इसमें सैलरी की 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी है, लेवल 1 की सैलरी होने वाली है। यदि आपने हाई स्कूल पास कर रखा है, यानी कि 10th पास कर रखा है, प्लस डिप्लोमा कर रखा है, प्लस ITI कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कुक की, तो दोस्तों इसमें जो कि आपकी 5 वैकेंसी हैं, जो कि UR में 2 हैं, SC की एक वैकेंसी है, OBC की एक वैकेंसी है, PAWS की एक वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसमें भी 19,900 तक और 63,200 तक लेवल 2 की सैलरी होने वाली है, जो कि यदि आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको जो इंडियन कुकिंग है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बोथ मैकर की। तो दोस्तों, इसमें 1 पोस्ट और नंबर की बात करते हैं। इसमें आपकी एक पोस्ट है जो कि ST है, और बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो 19,900 तक इसकी सैलरी होने वाली है, जो कि लेवल 2 की है, बहुत अच्छी है। और दोस्तों, यदि 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें जो आपकी जो शुड बी टू कैरी आउट ऑल कैनवास, तो इसके मतलब इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर जानकारी है तो भाई इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वाशरमैन की बात करें तो दोस्तों, इसमें 1 वैकेंसी है, जो कि UR के लिए है, और बात करें कि इसकी 18,000 से 56,900 तक आपकी सैलरी होने वाली है, जो कि लेवल 1 की सैलरी होने वाली है।
बात करें, यदि आपने 10th पास कर रखा तो आप इसके लिए भाई अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको इसके क्लॉथ वगैरह की जो भी है इसकी जानकारी चाहिए। बार्बर की बात करें तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, जो कि UR की 2 है, SC की 1 है और OBC की 1 है। जो 18 सैलरी जो होने वाली लेवल 1 की होने वाली है, 18,000 से 56,900 तक होने वाली है। यदि आपने हाई स्कूल पास कर रखा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भाई इसमें डिजायरेबल मांग रखा 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी कि आप जिस ट्रेड बार्बर की जो ट्रेड है उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो सकता है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप अगर आपने 10th पास कर रखा तो आप यदि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें स्वीपर की, तो इसमें 2 वैकेंसी है, जो कि 1 वैकेंसी UR की है और 1 SC की है, जो कि दोस्तों सैलरी आपकी 18,000 से 56,900 तक लेवल 1 की सैलरी होने वाली है। आपने यदि 10th पास कर रखा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो आप हो तो ठीक है, नहीं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौकीदार की बात करें तो दोस्तों इसमें 1 वैकेंसी होने वाली है, जो कि UR के लिए है और 18,000 से 56,900 तक आपकी लेवल 1 की सैलरी होने वाली है। दोस्तों अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक्सपीरियंस ये दोस्तों अगर यदि है तो अच्छा, आपको बेनिफिट मिलेगा, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो कि आपकी अगर यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आप इन सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी है। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि आपको इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी इंक्रीज और डिस्क्रीज हो सकती है, मतलब घट बढ़ सकती हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि लास्ट डेट इसमें जो है 6/8/2021 होने वाली है, तो दियर जो 3 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशमेंट नंबर, एडमिशमेंट जैसे कि नंबर उसमें आता है उसके 3 यानी कि 3 हफ्ते, तो जो सप्ताह होते हैं उस तक मतलब काउंट कर लीजिए और आपकी वो लास्ट डेट हो जाएगी। बट जो इसकी क्लियर लास्ट डेट है 6/8/2021 है, इससे पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलेक्शन भी, जी हाँ, आपको एज रिलेक्शन मिलेगा इसमें। यदि आपकी जो एज है 18 साल से और 25 साल तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल एज की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको जो है SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का, PH को हैंडीकैप जो है 10 साल का, और इस सर्विसमैन को 3 साल का इसमें बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्क्स और सीट डिप्लोमा जो भी है, आपका आधार कार्ड इस दोस्तों आपके जो भी हैं, ये सेल्फ अटेस्टेड होने हैं, और उसके बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले भाई ये जान लो कि इसमें जो आपका फिजिकल नहीं होने वाला, क्लियर, 6 आप 6 नंबर पर देख सकते हैं, डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट विल बी एडमिटेड। तो आपकी जो दोस्तों कोई सी भी पोस्ट है, सबसे पहले तो उसका भाई एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जो भी आपका स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, वो होगा, इसमें कोई फिजिकल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी तो ये खबर है कि आपकी जो खुशखबरी खबर है कि इसमें भाई कोई मतलब फिजिकल नहीं होने वाला। कई बंदे कहते हैं कि सर हमारी हाइट नहीं है ये वो, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट अगर नहीं है उस ट्रेड में तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, और सबसे पहले कि भाई इसका जो पोस्टल जो मैं बता दूं, जैसे आप इसको फॉर्म को अप्लाई करोगे और ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑल एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। दोस्तों आपको रजिस्टरी जो आप जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो आप वहाँ आपको रजिस्टरी करानी है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आपको सेंड करना है। तो दोस्तों ये आपका एड्रेस हो गया, कमांडेंट द अग्रवाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, जो उत्तराखंड में पिन कोड ये है, देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी, आप भर सकते हैं इसको डाउनलोड, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके अपने कैफे किसी भी नज़दीकी जाके इसको फोटो कॉपी निकलवा लेनी है और आसानी से इसको
फिल कर देना है। ये कॉलम नंबर जो 5 देख रहे हैं, एज ऑन, एज अस ऑन 5 जुलाई, तो यहाँ से आप काउंट करके अपनी एज यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, आप लोग भाइयों का सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों यदि इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं ऑफलाइन से, ऑनलाइन से रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब की, तो दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।